मौलाना कौसर न्याजी साहब से दरख्वास्त करूँगा तो तशरीफ लाएं, खिताब फरमाएं। मौलाना कौसर न्याजी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सदर, वातिन हजरात, रात मिस्टर पार्क के जलसे में मैंने कहा था कि इस दौर में बदकिस्मती से तहकीक और रिसर्च के नाम पर कुछ लोग उन बहुत सी मुसल्लमा ताबीरात और तशरीहात को और इरशादात को भी मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों से मुसलमानों के दरमियान मुत्तफ़िका रहे। उनमें से कुछ का हवाला मैंने दिया था, उन पर अपनी मारूजात पेश की थी। एक ऐसा ही इरशाद रसूल आज बयान करूंगा जो बहुत मारूफ है, बहुत मशहूर है और शायद ही कोई मुसलमान उससे बेखबर हो, लेकिन बदकिस्मती से वही अहले तहकीक कुछ तो ये जसारत कर रहे हैं कि इसके इरशाद रसूल होने ही का इनकार कर दे, और अगर ऐसा मुमकिन न हो सके और ये रोशन हकीकत मिट न सके तो फिर कम से कम इसकी तशरीह ऐसी कर दी जाए, इस पर ऐसी धूल उड़ा दी जाए, इसे ऐसा गुबार आलूद कर दिया जाए कि वो अपनी असलियत और हकीकत खो बैठे। मेरी मुराद उस इरशाद रसूल से है जो खुतबे गदीर खुम में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मुख्तलिफ लफ्जों के साथ बयान हुआ है, मगर ये अल्फाज तो बहुत मारूफ हैं कि मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो फ अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला। आप जानते हैं कि ये इरशाद रसूल हमारे यहां अहले सुन्नत की महफिलों में और सूफियाए कराम की महफिलों में और उर्स के मौके पर तमाम कवाल अपनी कवाली शुरू करने से पहले कौल की सूरत में पेश करते हैं, और ये मशहूर सूफी बुजुर्ग महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के महबूब हजरत अमीर खुसरो ने इसे कवाली के रूप में, राग के रूप में ढाल कर कौल के अंदाज में इसे मुतारिफ कराया, और उस वक्त से अब तक ये तमाम अहले तसव्वुफ के यहां महाफिल समा में पेश किया जाए। और ये ऐसी रिवायत है जो 115 सहाबा से मरवी है, 115 सहाबा ने इसे रिवायत की, 56 मुफस्सरीन, मैं नाम किताबों के नहीं लेता कि तवालत होगी वरना नाम है, 56 मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इसे
सराहत के साथ लिखा है और 84 ताबीन ने इसे मनकूल किया है। यानी ये ऐसी बात है कि जो सदियों से हमारे यहाँ तवातुर से नकल होती चली आ रही है और नस्लों में मुंतकिल होती चली आ रही है, मगर बदकिस्मती से आज इसमें भी शुभात डालने की कोशिश की जा रही है। अगर आज कोई शख्स, और मैंने देखा है कि बड़े से बड़े आलिम भी और हदीस पर नजर रखने वाले भी मौला अली कहते हुए झिझकते हैं, और मौला अली का लफ्ज कोई कह बैठे तो ये गोया इस बात की अलामत है कि ये आदमी जो है इसका ताल्लुक सवाद आजम से नहीं है। हालांकि सवाद आजम में शामिल होने के लिए यह जरूरी था कि अली को मौला माना जाए, और जिसको माना जाए वो पहचाना जाए, उसे मौला कहा जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। अब जब ये देखा कि ये इरशाद ऐसा है कि ये मिट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, तहकीक और रिसर्च के नाम पर इसमें तशकीक के कांटे नहीं चुभोए जा सकते, तो अब कहा कि मौला का मफहूम जो है वो नहीं है कि जो समझा जाता है और जो आम तौर पर इस हदीस के ज़ेल में लोग लेते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पुराने पाक में मौला का लफ्ज 21 मवाके पर इस्तेमाल हुआ है, और मुफरदात इमाम राग़िब से लेकर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के तर्जमे कुरान तक जो मफहूम इन 21 मुकामात पर, और मैं वो तफसील में नहीं जाता कि कहां किस मुकाम पर किन जमायर के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो मफहूम तर्जमा निगार अब तक करते आए हैं, और मैंने कहा कि इमाम राग़िब से लेकर, वो मौला के मफहूम ये हैं: दोस्त, हिमायती, रिश्ते का भाई, रब, सरदार और आप। अब ये हजरात कहते हैं कि साहब इसमें तो यही कहा है आपने कि जो जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। यानी अगर ये बात आपने फरमाई होती तो इसमें तो कुछ जोर और वजन और जान था, और फसाहत और बलागत के उसूलों के मुताबिक बात थी कि जिसका अली दोस्त है उसका मैं दोस्त हूं, मगर बात यूं नहीं फरमाई आप। आपने फरमाया है कि जिसका मैं, अगर ये मफहूम हो जिसका मैं दोस्त हूं तो जाहिर है उसका तो अली दोस्त होगा ही, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मोहताज बयान हूं। कॉमन सेंस से अपील करते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दोस्त का मफहूम देने के लिए फिर जुमले की कंस्ट्रक्शन बदलनी थी, फिर जुमला यूं ना होता। फिर दूसरा, हिमायती का अगर मफहूम लिया जाए कि जिसका मैं हिमायती हूं उसके अली हिमायती है, यह भी कोई कहने की बात है। और इस अंदाज से कहने की कि तपती दोपहर में आपने खुतबे हज्जतुल विदा दिया, उसके बाद देने के बाद, ये खुतबा देने के बाद, ऐलान करने के बाद, फिर मक्के और मदीने के रास्ते में रुककर फिर आप खुतबा देते, और खुतबा देते हुए जो ऐलान फरमाते हैं वो ऐलान है कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। क्या ये सारा आपने जो काम किया ये ऐलान करने के लिए था कि जिसका मैं हिमायती हूं उसके अली हिमायती हूं? ये कोई ऐसी बात थी जो मोहताजे बयान थी, या जिसमें तरद्दुद था किसी को कि जिसकी रसूल हिमायत करेंगे अली उनकी हिमायत नहीं करेगा? ये कोई शक की बात थी?
फिर रिश्ते का भाई जिसका मैं रिश्ते का भाई हूं उसके अली रिश्ते के भाई हैं, ये कोई बच्चा भी जान सकता था ये जिससे आपकी रिश्तेदारी है अली की भी उससे रिश्तेदारी होगी क्योंकि आप फर्स्ट कजिन थे। रब तो मफहूम हो नहीं सकता कि जिसका मैं रब हूं उसके अली रब है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब दो अल्फाज रह जाते हैं तर्जमे के, वही फिट बैठते हैं, वही इसका मफहूम है, वही इससे मुराद है कि जिसका मैं सरदार हूं या जिसका मैं आका हूं उसके अली सरदार हैं, उसके अली आका। अब एक बात और अर्ज करूं कि ये जो ऐलान विलायत था हजरत अली का जो रसूल की जुबान से हुआ, ये ऐलान विलायत जरूरी नहीं कि इसके साथ हुकूमत हो तो तब विलायत हो। अगर विलायत के साथ हुकूमत हो तो इस ये हुकूमत के लिए एजाज है, लेकिन विलायत इसकी मोहताज नहीं है कि हुकूमत हो तो विलायत है और हुकूमत न हो तो विलायत नहीं। वो इकबाल ने एक अजीब शेर कहा है कि हुई ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, हुई ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब यह है कि जमाना, सबब यह है कि मोहब्बत जमाना साज ने। इश्क की हुकूमत आम नहीं हो सकी क्योंकि मोहब्बत जमाना साज नहीं है और हुकूमत के लिए जमाना साजी जरूरी है। अली जमाना साज न थे, अली उसूलों पर मुफाहमत करने वाले न थे, अली तो शमशीर बरहना थे। और मुश्किल ये थी कि खुलफाए राशिदीन के जमाने में उनका वास्ता मुर्तदीन से था, मुनाफिकीन से था, कि जो जकात देने से इनकार कर रहे थे, मुकाबले में थे, उनका उनसे मुकाबला करना कोई मुश्किल काम न था। पहले दो खुलफा की बात कर रहा हूं, लेकिन अली मुर्तजा की मुश्किल ये थी कि उनके बिलमुकाबिल कलमा गो मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे, और अली को यह साबित करने के लिए कि इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निजाम और इस्लामी सिस्टम के ताख्त व ताराज करने के लिए अगर मुसलमान भी बिलमुकाबिल आ जाएं तो उनकी गर्दनें भी गाजर मूली की तरह काट दी जाएंगी, अली ने इससे दरेग नहीं किया। मगर बहुत मुश्किल काम था, यह जमाना साजी का काम न था, यह काम वो था कि जिसके लिए उसूलों पर मुफाहमत नहीं हो सकती थी। इसलिए अली की विलायत के साथ हुकूमत की ब्रैकेट लगी हो या न लगी हो इससे कोई खास फर्क वाकई नहीं होता। और क्या आप कहेंगे, इमाम हसन जब दस्तबरदार हो गए थे हुकूमत से तो फिर विलायत क्या उनके पास न रही थी? और या क्या हुसैन जब शरीर आराय हुकूमत ही नहीं हुए तो वो शरीर आराय विलायत न थे? एक अजीब हदीस है और मैं हैरान हूं कि अहले सुन्नत और शिया हजरात दोनों इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं करते। ये 12 इमाम जो शिया हजरात के हैं, मेरे हैं, शिया हजरात के क्या होंगे, ये जो 12 इमाम हैं इनके बारे में एक अजीब हदीस है, बुखारी की हदीस है, और चूंकि अहले इल्म बैठे हैं मैंने मुनासिब जाना कि यहां वो अर्ज करूं। बुखारी जिल्द सोम पारा 29 किताबुल अहकाम, इसमें हजरत जाबिर बिन सुमरा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हुजूर से मैंने सुना, यकूनो असना अशरा अमीरा, कि 12 अमीर होंगे, 12 सरदार होंगे। फिर आगे
वो कहते हैं कि हुजूर ने कुछ फरमाया मगर मैं समझ नहीं सका, मैंने नहीं सुना। मेरे वालिद कहते हैं कि आपने फरमाया कि वो सब जो सरदार हैं 12 वो सब कुरैश में होंगे। ये बुखारी की रिवायत है, वो सब कुरैश में होंगे। अब तारीख आप देख लें, कुरैश में दो खानदानों ने हुकूमत की है, बनू उमैया ने, बनू अब्बास ने। 12 सरदार अगर आप बादशाह मुराद लें, खुलफा मुराद लें, तो ना बनू उमैया में हुए ना बनू अब्बास में। ये 12 सरदार और ये 12 इमाम मैं कहता हूं अगर हुए हैं तो बनू हाशिम में, सरकार के खानदान में हुए हैं, और ये 12 अहले बैत के इमाम। ये वो सिलसिला विलायत है कि जो सैयदना अली मुर्तजा से चला और जिसका ऐलान सरकार ने गदीर खुम के मौके पर किया, और आपने ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। एक और बात जिसकी जानिब मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि तसव्वुफ जो विलायत ही की शाख है, विलायत ही का शोभा है और विलायत ही का सिलसिला है, इसमें जितने सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, सुरवर्दिया, ओएसिया, कलंदरिया, मशहूर सिलसिले यही, ये सब के सब नक्शबंदिया को छोड़कर, कादरिया, चिश्तिया, सुरवर्दिया, ओएसिया, कलंदरिया, ये सब के सब सूफिया में मुसल्लम है कि तमाम सैयदना अली अलैहिस्सलाम से चले। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى كما كتاب الحكيم إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صلوات پہلا میرا معروضہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات اپنے ان بھائیوں کا خیال کریں جو سردی کے باوجود باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کچھ احباب ممبر سے قریب ہو جائیں, کچھ ممبر کے داہنے جانب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور میں ناظم صاحب سے اس امر کی خواہش کروں گا کہ بائیں طرف کے دروازے کھول دیے جائیں, آپ کی روشنی کے انتظامات کی وجہ سے ہال گرم ہو رہا ہے. شب ولادت مولا کائنات دوستوں کو مبارک. کلام مجید کے 14ویں سورے سورہ ابراہیم کی 35ویں 36ویں 37 اور 38ویں آیتیں پڑھی گئیں. ترجمہ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم نے یہ کہا اپنے معبود سے کہ پروردگار اس شہر کو مقام امن بنا, اور پروردگار مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے, میرے بیٹوں کو اور مجھ کو بت پرستی سے بچا لے. پروردگار بتوں نے انسانیت کے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر رکھا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. پروردگار ان بتوں نے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی, اب جو میری پیروی کرے, فانہ منی, وہ مجھ سے. وہ من آسانی, اور جو میری معصیت کرے, فانک غفور الرحیم, تو غفور الرحیم ہے, چاہے بخش دے چاہے محاسبہ کرے, وہ تیرا اختیار ہے. پروردگار میں نے اپنی باز ذریت کو ایک ایسے میدان میں آباد کیا ہے جو مقام تیرے بیت محترم سے قریب ہے, اور پروردگار اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور پروردگار وہ مقام ویران ہے, بے آب و گیا ہے, وادی غیر ذی زرع ہے. بس میری تمنا یہ ہے میرے مالک کے انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. پروردگار ان کو میووں کا رزق عطا کر, ثمرات کا رزق عطا کر, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر. اور پروردگار ہمارے
रब्बना इन्नका तअलम, तुझको इल्म है, तू बेहतर जानता। मा नुख्फी व मा नुअलिन, हम क्या छुपा रहे हैं और किस अम्र का ऐलान कर रहे हैं। तू हमारे जाहिर व बातिन को जानता, और यह हकीकत है कि ज़ाते वाजिब से जमीन व आसमान में कोई शय छिपी हुई नहीं है। नबी उलुल आज़म की दुआ के शहर को मकाम आमन बना, यह दुआ कबूल हुई और उसको कुरान ने बलद अमीन कहा। तीनों जैतूनों दूर सीनीनों बलद अमीन, पूरा सूरा इसी उन्वान से मौजूद है। दूसरी दुआ नबी उलुल अज़्म की यह है कि परवरदिगार मुझको मेरी औलाद को सनम परस्ती से बचा ले। तो कल यही गुफ्तगू थी कि नूह का बेटा बावजूद ताल्लुक बुनुवत और इबनियत के इसलिए सलाहियत नहीं पाता कि उसको नूह से मुतअल्लक समझा जाए कि कुरान ने यह कह दिया कि चूंकि अमल गैरे साले हैं इसलिए वो ऐ नूह बेटा सही अहल नहीं है। बेटा सही लैस मिन अहले, तेरा अहल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नबी उलुल अज़्म जब यह दुआ करे परवरदिगार मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले, तो अगर पूरा अरब यह दावा कर दे कि हम औलाद इब्राहिम से हैं और यह साबित करने की कोशिश करे कि नबी उलुल अज़्म की दुआ कबूल नहीं हुई और अरब बुत परस्त रहे, तो हम उसको इसलिए नहीं मानते कि मुमकिन है कि औलाद में होंगे मगर अहल नहीं होंगे। यह बहस कल थी, वहीं से शुरू कर रहा हूं। मुमकिन है कि सारा अरब अपने आप को औलाद इस्माइल से साबित कर। चुनाचे जब सिलसिले औलाद इस्माइल अदनान तक पहुंचा, तो अदनान के पोतों में चार आदमी ऐसे थे कि जिनके मुताल्लिक यह कहा गया कि पूरे अरब में इनकी औलाद कबाइल में बढ़ गई। यही चार सरदार थे, औलाद इस्माइल से बसिलसिले अदनान। पहला नाम रबिया, दूसरा नाम मुजर, तीसरा नाम अयाद, अलिफ ये अलिफ दा अयाद, और चौथा नाम अनार। अनार के मुतालिक तारीखदानों ने यह कहा कि इनके आकाब नहीं हुए। अयाद के मुतालिक कहा कि इनकी औलाद के मुतालिक तारीख को इल्म नहीं है, फकत दो ही बुजुर्गों की औलाद पूरे अरब में फैल गई, मुख्तलिफ कबाइल में बढ़ गई, या रबीआ या मुजर। ये बहुत गौर से आप सुने, औलाद इस्माइल की तकसीम करते हुए इस्लाम की तारीख लिखने वालों ने दो नाम खुसूसियत से लिए, अयाद के अलावा का या रबिया या मुजर। इन दोनों की औलाद कबाइल में बढ़ गई और पूरे अरब में यह फैल गई। यह सिलसिले औलाद इस्माइल। इसी रबिया व मुजर से मुख्तलिफ कबाइल फैले, बनु सकीब भी इसी से हैं, औस व खज़रज भी इसी से हैं, हौज़न का कबीला भी इसी से है,
قبیلہ طوس بھی اسی سے ہے, بنی تمیم بھی اسی سے ہے, بنی مزہج بھی اسی سے ہے. یعنی یہ سارے وہ قبائل ہیں جو ربیعہ و مضر سے پھیلے, اور یہ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں. مگر پورے عرب میں بت پرستی عام تھی, نبی اول العظم نے دعا کی تھی وجنبنی وہ بنی نعبد الاصنام, مجھ کو اور میری اولاد کو وثن پرستی صنم پرستی بت پرستی سے بچا لے. تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہوئی دعا تو عرب میں تو بت پرستی کو نہ رہنا چاہیے تھا, اور اگر بت پرستی ہوئی تو پتا چلتا ہے کہ اس بنیا سے مراد وہی ہے کہ جب نوح نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے تو کہا تیرا بیٹا صحیح اہل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اولاد ابراہیم میں اگر اہلیت ابراہیمی ہو تو یقیناً دعا قبول ہوئی, اور جہاں اہلیت ابراہیمی تھی وہاں صنم پرستی نہیں تھی. جہاں اہلیت ابراہیمی تھی وہاں صنم پرستی نہیں تھی. چنانچہ اس کے استدلال میں میں نے یہ بھی کہا کہ جب امامت عطا ہوئی تو دل پرذوق ابراہیمی نے اپنی ذریت کے لیے اس عہدے کو مانگا, تو چونکہ تمام ذریت میں اہلیت ابراہیمی نہیں تھی, اس لیے جب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں ملے گا, مطلب یہ کہ ابراہیم تیری ذریت میں ظالم بھی ہے عادل بھی ہے. جہاں عدل جائے گا امامت جائے گی, جہاں ظلم جائے گا امامت نہیں جائے گی. جہاں امامت جائے گی وہاں بت پرستی نہیں ہوگی, جہاں ظلم جائے گا بت پرستی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہید کے بعد میں نے اپنے آپ کو کل کی تقریر سے مکمل طور پر مسلسل و مربوط کر رکھا ہے. اب چند امور غور کے قابل ہیں. ایک مستقل عنوان ہے عرب کی بت پرستی. میں نے کہا ہے اپنی تقریر میں کل کہ اگر اس بت پرستی کی تاریخ کوئی لکھے تو پتا چلے گا کہ اس تاریخ کے باہر آ جانے کے بعد بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے حقائق سامنے آ جائیں گے. اس لیے کہ عرب میں ہر قبیلے کا سردار یوں تو اس بات کا حق رکھتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے سے کسی خاص بت کو پجوائے اور اس کی پرستش کروائے, لیکن سب سے زیادہ اثر و نفوذ عرب میں ہوا عمرو بن لہی بن حارثہ کا, جس نے خانہ کعبہ کی بلندیوں پر اپنے ہاتھ سے حبل کو رکھا. میں تاریخ کو شروع کر رہا ہوں. عمرو بن لہی بن حارثہ نے خانہ کعبہ کی بلندیوں پر اپنے ہاتھ سے حبل کو رکھا اور کہا آواز دی اعلی حبل, یعنی بلندی ہو حبل کے لیے, اور جتنے بت ہوں گے وہ تو قبیلوں کے ہوں گے مگر یہ بت تمام قبائل کا ہوگا, ہر قبیل
कबीला अपने अपने बुत को भी पूजेगा, मगर इस बुत को तमाम बुतों का सरदार मानेगा। इसलिए अगर कबाइल अपने इफ्तराक को मिटाना चाहे तो अपने अपने कबीलों के बुतों को मानने के बावजूद हुबल को न भूले। इसलिए उसने यह तरीका निकाला इत्तेहाद अरब का कि एक बड़ा बुत सब बुतों पर सवार रहे, एक बड़ा बुत रहे हुबल। लेकिन उसने यह किया कि जमजम के दो गोशों पर दो बुत और लाकर बिठा दिए। एक का नाम है असाफ अलिफ सीन अलिफ फे, दूसरे का नाम है नायला, नायला देवी है, यानी कोई मुजक्कर बुत नहीं। और असाफ एक जवान के रूप में तराशा गया, मतलब ये कि ये मर्द है ये औरत है, और का ये दो बुत हुबल के मुशीर है। तो हुबल बुलंदी पर, जमजम के दोनों गोशों पर असाफ और नायला, एक मर्द एक औरत। और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि अब कबाइल को इख्तियार है कि वो अपने अपने बुत तराश ले। तो अब कबाइल ने जो बुतों को तराशना शुरू किया तो सबसे पहले आसमान के तारों को देख देख कर उन्होंने बुत बनाए, यहूस यहूक नसर वुद। यहूस की शक्ल शेर की सी थी, यहूक की शक्ल घोड़े की, वुद एक जवान आदमी के शक्ल, नसर की शक्ल गिद्ध की, और उसके बाद सुआ सीन वाव अलिफ ऐन ये भी एक देवी खूबसूरत औरत सुवा। तो इस तरह से जिस किसी को जो कोई सितारा पसंद आया उसने एक तरफ तो उस सितारे की परस्तिश की आसमान की तरफ देख के, दूसरे उस सितारे का नाम लेकर एक बुत को तराशा और खाने काबा में लाके उसको रख दिया। अब ये बुत नीचे नीचे रखे गए, ये बुत नीचे नीचे रखे। अब इसके साथ साथ एक और बात ये हुई कि हर बुत को एक कबीला पूजता और एक कबीला उस बुत की दरबानी करता। जब तक वो कबीला दरबानी करे ये बुत ये कबीला पूजे, और जब ये कबीला दरबानी पे आए तो वो कबीला परस्तिश शुरू करे। इसलिए दोनों कबीले एक एक बुत को पूजा करते। इससे फायदा ये होता था कि अगर एक कबीले पर किसी ने हमला किया तो दूसरा कबीला हलीफ बने, और यहां से कबीलों की रिफाकत बाहमी शुरू हुई। चुनाचे बनू सकीफ ने लात की परस्तिश शुरू की, बनू सकीफ ने लात की परस्तिश शुरू की, और उन्होंने अपना हलीफ बनाया बनू मुज़अफ को जो दरबान बने इस बुत के। बिल्कुल इसी तरह उज़्ज़ा की परस्तिश कबीले औस खज़रज ने शुरू की, उन्होंने अपना हलीफ बनाया बनू शैबा को, और बनू शैबा ने दरबानी की उज़्ज़ा की। बिल्कुल इसी तरह कुरैश और कनाना ने परस्तिश शुरू की मनात की, और इस तरह से कुरैश और कनाना की परस्तिश के जमाने में उनका हलीफ बना कबीला मजहज का, ताकि वो दरबानी करे। और आगे बढ़कर मुख्तलिफ सूबों के बुत बने, यमन वाले यहूस को पूछते थे, उन्होंने खाने काबा में यहूस को लाके रखा,
بنو مدحج کے بعض قبائل ایوق کو یعوق کو پوچھتے تھے جس کی شکل گھوڑے کی ہے وہ بھی بتخانہ کعبہ میں بنو کلب بدھ کی پرستش کرتے تھے واو ڈال یہ مشہور بدھ تھا کہ جس کے معنی یہ کہ اس بدھ کی پرستش کرنے میں دوستیاں بڑھتی ہیں بنو کلب ان کی پرستش کرتے تھے اور آگے پڑھ کر کوئی قبیلہ عرب میں ایسا نہیں تھا کہ جس کا اپنا کوئی بت نہ ہو اور اگر کسی کا اپنا کوئی بت نہ بن سکتا نہ تراشا جا سکتا اور خانہ کعبہ میں چونکہ جگہ باقی نہیں ہوتی تو ان کے بت تراش چھوٹے چھوٹے بت ان کو بنا کے دیتے تاکہ وہ آستینوں میں اپنے چھپا کر جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے تو اس بت کو تھوڑی دیر کے لیے بڑے بت کے بازو بٹھائیں پرستش کے بعد پھر اپنے آستین میں رکھ کے واپس گھر کو لے جائیں اس طرح سے ستاروں کی پرستش ہوئی ستاروں کے نام پر بتوں کی پرستش ہوئی یہوسوں یہوکوں نصروں ود کی پرستش ہوئی لاتوں مناتوں عزا کی پرستش ہوئی مگر سب پرستش کرنے والے ایک خاص موسم میں حبل کے لیے جمع ہوتے اور کہتے آپ اب یہ زمانہ تو بڑے بت کا ہے بڑے بت کا زمانہ ہے اب بت پرستی کا تعلق علم سے اور عقل سے بحث سے اور منطق سے تو نہیں تھا بت پرستی کا تعلق تھا جذبات سے اور عقیدے سے یعنی کوئی کسی کے بت کے متعلق ایک لفظ غلط زبان سے نکالتا تو تلواریں کھنچ جاتی اور ایک قبیلے کا حلیف دوسرا قبیلہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتا تو اس لیے عام عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ خبردار کوئی کسی کے بت کے متعلق کوئی کسی کی دیوی کے متعلق کوئی کسی کے معبود کے متعلق کچھ نہ کہے کچھ نہ کہے اور دیکھو یاد رکھو سب کو جمع ہونا ہے حبل کے لیے اس لیے جب بڑے بت کی پرستش کا زمانہ آئے تو اپنے سارے اختلافات کو دور کر کے آؤ اور جب اس منزل پر آتے تھے تو کہتے تھے ہم ہیں بنی اسماعیل ہم ہیں مضر و ربیعہ کی اولاد اور ہم ہیں شرافت کمال کے دارا یہی وہ میلہ ہوتا تھا کہ جس میں شعرائے عرب اپنے نسب نامے پڑھتے تھے جس میں شعرائے عرب اپنی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف میں قصیدے کہتے تھے یہی وہ زمانہ ہوتا تھا کہ جاہلیت کے نصاب اپنے نسب ناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے اور سب کے سب اپنے انصاب کو اسماعیل تک پہنچاتے اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے حیرانی بڑھ جاتی کہ اگر دعائے ابراہیم قبول ہو چکی تھی تو کیا یہ سب کے سب ابنائے ابراہیم تھے اس لیے کہ وجنبنی و بنی مجھے اور میرے ابنا کو بچا لے تو خدا نے یہ بدلا دیا کہ ابنا وہی جن میں اہلیت ہو فقط رشتہ ابوت کی وجہ سے ابنا نہیں بلکہ اہلیت و صلاحیت کی بنا پر ابنا ہو بت پرستی کو عام دیکھا جو دور ابراہیم میں موجود تھی مگر خانہ کعبہ نہ تھا خانہ کعبہ بنا کر دل میں تمنا یہ تھی پروردگار اس میں بت نہ آتے تو اچھا تھا نہ آئے تو اچھا ہے لیکن میرے پروردگار میں اپنے عمل کو تو واضح کر دیتا ہوں یہ کہہ کے ایک بت کو توڑ دیا پوری طرح نہیں توڑا اس کی ناک کو توڑا اس کے آنکھوں کو توڑ کر اس کو بظاہر نابینا کر دیا
और जब शाम को बुत परस्त जमा हुए और कहा कि हमने एक जवान को यहाँ घूम के देखा था, तो इब्राहिम को पकड़ के लाएगा, तुमने तोड़ा था, बड़े से पूछो, बड़े से पूछो, क्योंकि वो सबका बड़ा है, उसको तो जानना चाहिए तुम्हारा माबूद है। वो कहेगा यहाँ सबकी गर्दनें खिजालत से झुक गई कि वो तो बात ही नहीं करता, वो तो कलाम ही नहीं करता, कैसे बतलाए गावो के किसने तोड़ा। लेकिन इब्राहिम ने अपने काम का आगाज किया पुछकनी से और कहा वो मन तबेअनी फइन्नहु मिन्नी, अब जो मेरी पैरवी करे वही मुझसे है। वो मन तबेअनी فَإِنَّهُ مِنِّي, अब तस्करा ममलिकत के फैलने का नहीं है, अब तस्करा कानून के अता करने का नहीं है, अब तस्करा इस्तेहकाम इस्लाम का नहीं है, अब तस्करा मिन्नियत इब्राहिम का है। तो देखना ये है कि जिसने पैरवी इब्राहिम करते हुए पहली मर्तबा अपने आप को पुछकनी की मंजिल पर पहुंचा दिया, उसके लिए वो कैसा मकाम मिन्नियत होगा, कौन होगा आगे बढ़ के याद दिला वाला कि मेरे जद इब्राहिम ने ये कहा था, जो मेरी पैरवी करे वो मुझसे है। लेकिन फख्र इब्राहिम एक मौजूद था, जब बुत शिकन ने बुत तोड़े तो उसने कहा अंता मिन्नी वो अना मिन, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। मैं समझता हूं कि मेरा इशारा मुबहम नहीं है, तारीख के लिखने वालों में किसी ने भी ये नहीं कहा कि पैगंबर ने इस्लाम के किसी दौर में भी किसी बुत को सजदा किया था, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अंग्रेज मुस्तशरकीन को बड़े मौके मिल जाते अगर एक आध मर्तबा भी पैगंबर को किसी बुत की तरफ वो झुकता हुआ पाते। फकत हजरे अस्वद को बाकी रखा तो अंग्रेज मुस्तशरकीन ने कहा एक कंप्रोमाइज की सूरत है कुफ्र ईमान में, अगर बुत की तरफ झुकते तो आज हमारा क्या हश्र होता। लेकिन अल्लाह ने जिनको जिनको अहले इब्राहिम बनाया, जिनको अहलियत इब्राहिमी अता की, उनको ये खसूसियत भी अता की कि वो लातो मनातो हुबलो उज्जा के सामने कभी अपनी पेशानी को खम न करें। चुनाचे वो पेशानी खम नहीं हुई और वो कहते थे कि मैं हूं मिल्लत इब्राहिम में हनीफ की पैरवी करने वाला। तो इत्तबाए मिल्लत इब्राहिमी पर जब रसूल आए तो मिन्नियत इब्राहिमी अता हुई, और जो वारिस इब्राहिम हुआ उसको हक ये था कि वो दूसरे को मकाम मिन्नियत अता करता। इसीलिए सही बुखारी शरीफ में कुल तीन हदीसें फदाइल अमीरुल मोमिनीन में आई, हदीस मंजिलत, हदीस रायत, हदीस मिन्नियत। इसके अलावा चौथी हदीस फजीलत अली में नहीं है। हदीस रायत वो कि कल अलम दूंगा मर्द को, हदीस मंजिलत वो कि तेरी मिसाल मुझसे ऐसी है जैसे हारून की निस्बत मूसा से है, और हदीस मिन्नियत ये कि तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी का एहसान है हम पर कि उन्होंने छांट छांट के जब 7 लाख हदीसों में से कुल 4 हदीसें अपने किताब में बाकी रखने की कोशिश की, तो जाहिर है कि अमीरुल मोमिनीन के बहरे मवाद फजाइल में उनको कुल 3 हदीसें ही मिली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी 3 हदीसें मिली कि अगर इनमें से एक भी हदीस पर किसी का ईमान हो जाए या हदीस रायत ही को मान ले, खुदा और
रसूल उसको दोष रखता है, वो खुदा और रसूल को दोष रखते हैं। काफी है यह हदीस मिन्नियत को मान ले, यह हदीस मंजिलत को मान ले, वही काफी है। तुम्हारी मिसाल ऐसी है या अली मुझसे, तुमको वो मंजिलत हासिल है जैसे हारून को मूसा से हासिल थी। वाहुहैना इला मूसा वाकी, और हमने वही की थी मूसा की तरफ और उसके भाई की तरफ, सूरह यूनुस। मिस्र बुयूता, के मिस्र में तुम दोनों अपनी कौम के लिए घर बनाओ। वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और तुम अपने घरों को क़िबला बना दो। या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, तुम्हारी निस्बत मुझसे ऐसी है जो हारून को मूसा से थी। अगर मूसा और हारून का घर उम्मत मूसा और हारून के लिए क़िबला है, क़िबला है, तो मैं अली के घर की तरफ अभी आता नहीं हूँ। अली का सजा आना आलम के लिए क़िबला बन गया। हमने मूसा और उनके भाई की तरह वही की। अंतबावाल कौम कुमार मिस्र बुयूता, तुम दोनों अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बनाओ। वजालू बुयूतकुम क़िबला, और तुम्हारे घर क़िबला बन जाए, तुम्हारे घर क़िबला बन जाए, तुम्हारे घर सिमत बने बंदगी के लिए, तुम्हारे घर जहत करार पाए इबादत के लिए। या अली तेरी मिसाल मुझसे वही है जो हारून को मूसा से थी। अरे किसी एक हदीस को अब दुनिया मान ले, ये मिन्नियत है, ये मंजिलत है, ये रायत है। उस मंजिल पर पहुंचकर एक मर्तबा ये भी अर्ज कर देना जरूरी है कि मकाम इफ्तिकार में हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, कि क्या कोई हमारे सिवा और भी रासिख फिल इल्म है, क्या कोई हमारे सिवा और भी कोई रासिख फिल इल्म है। أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا, कहाँ है वो लोग जो अपने आप को हमारे सिवा रासिखून फिल इल्म कहते हैं, फकत इस बात पर कि हमसे उनको दुश्मनी है, फकत इस बात पर कि हमसे उनको अदावत है, फकत इस बात पर कि उन्होंने हमसे बगावत की है। أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا, हमसे दुश्मनी की क्यों? मेरे तकरीर के तसलसल को देखिए, क्यों दुश्मनी की? फकत इसलिए, इसलिए कि अन रफान अल्लाह व वज़ाहुम, फकत इसलिए कि अल्लाह ने हमको बुलंद करके उनको पस्त कर दिया। अन रफान अल्लाह व वज़ाहुम, कि हमको मस्जिदों में दाखिले का हुक्म दिया, उनको मस्जिदों से बाहर कर दिया। औरों की गुफ्तगू नहीं है, औरों की गुफ्तगू नहीं है, बल्कि यह गुफ्तगू वो है कि जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बुजुर्ग नहीं उनके वाले, और जैसा कि आम रिवायतों में है पैगंबर के बहुत से आइज़ा, उन्होंने भी शिकायत की कि हमारा भी दरवाजा अब बंद हो गया, अब हम भी नहीं आ सकते मस्जिद में वक्त बेवक्त जब दिल चाहे। इरशाद फरमाया, न मैंने किसी के दरवाजे को बंद किया, न मैंने किसी के दरवाजे को खोला। उसका हुक्म था इनका दरवाजा खोल दो, खोल दिया। उनका दरवाजा बंद करो, बंद कर दिया। अन अदखलन अल्लाह व अखरजहु, इस बिना पे दुश्मन हो गए कि अल्लाह ने हमको दाखिल किया, उनको खारिज कर दिया।
ہو گئے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار دیا. اب یہ مسئلہ بڑا طویل ہے کہ کیا چیز عطا ہوئی اور کیا چیز غیروں کے لیے حرام قرار دی گئی. کیا چیز عطا ہوئی اور کس چیز کو غیروں کے لیے, غیر آل محمد کے لیے حرام قرار دیا. ارشاد فرمایا, طویل خطبہ ہے, فرماتے ہیں اور ائمہ قریش ہاتھ ہو کا نہ کھاؤ, یہ پورے اولاد اسماعیل میں نہیں ہے امامت. قد غرسوا فی حاض البطن من ہاشم, اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ائمہ قریش ہوں گے لیکن ہاشم کے اس بطن سے, اپنی طرف اشارہ کر کے کہا ہاشم کے اس بطن سے. الائمۃ من قریش درست, قریش میں امامت درست, مگر قریش اور کنانہ یہ دونوں قبیلے تو عزہ کی پرستش کرتے تھے اور بنو شیبہ ان کے حلیف تھے, اور دعائے ابراہیم یہ تھی مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, جس کے متعلق میں کلاس کر چکا کہ یہ بنوت بغیر اہلیت ثابت ہی نہیں ہے. میں فقط اسی کو ثابت کرنا چاہتا تھا, کل بھی عرض کر چکا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا ہوشیار کوئی یہ نہ کہے ہم بھی تو اولاد رسول سے ہیں. وہاں صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلتا, اہلیت کو بتلانا پڑتا ہے کہ کہیں وثن پرستی تو نہیں ہے. اس لیے کہ بت تو توڑ دیے گئے لیکن دماغوں میں بت, دلوں میں بت, نگاہوں میں بت, شعور میں بت, فکر میں بت, ارادے میں بت, عمل بتوں کے لیے اور پھر اقدام بتوں کی طرح آج بھی باقی ہے. اقبال نے کہا اور خوب کہا تھا, بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں, اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا. اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا, تو لا تو منا کی جوانی کسی کی مسائی کی وجہ سے باقی ہے. اس لیے اگر اب بھی دلوں میں لات و منات ہے اور یہ دعویٰ کہ ہمارا تعلق بھی وہیں سے ہے, اولاد ہی میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعویٰ ممکن ہے صحیح ہو, مگر اہلیت کو ثابت کرنا ہے. معاف کیجئے ایک جملہ معترضہ, میں رکوں گا تو نہیں لیکن احتیاطاً عرض کروں کہ کل بھی میں باوجود تکلیف دہ ہائی بلڈ پریشر کے تقریر کر رہا تھا, اور آج بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں ایک ایسے عالم میں گفتگو کر رہا ہوں جبکہ مجھے بلڈ پریشر ستا رہا ہے, لیکن توفیق الہی کا طالب ہوں اور وہ جو عقیدہ مجھ کو اس ذات گرامی سے ہے وہ یقیناً مجھے کسی عالم میں روک نہیں سکے گا. اس لیے چاہتا ہوں کہ اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا دوں جہاں صرف یہ بتلاؤں کہ زمانہ علی کا دشمن نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. زمانہ علی سے دشمنی نہ کرتا تو کیا کرتا. یا علی آپ یہ کہتے ہیں اَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا كَذَبًا وَبَغْيًا عَلَيْنَا, کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخون فی العلم کہتے ہیں ہماری دشمنی کی بنیادوں پر اور ہم سے بغاوت کر کے. فقط اس واسطے کہ ادھر عطا ہے ادھر حرمت ہے, فقط اس واسطے کہ ہم کو داخل کیا ان کو خارج کیا, فقط اس واسطے کہ ہم کو بلندیاں ملی ان کو پستیاں ملی, فقط اس واسطے. اچھا دشمنی کرو. لیکن یا علی یہ حقیقت کہ تمہارا نام دشمنی کے لیے کافی تھا ہے, رہے گا کافی تھا, اس لیے کہ تم تھے ورسس کو سمجھ جاؤ, تم تھے اور مخالفت پر سارے بت, تم تھے اور مخالفت پر سارے
बुतों के पूजने वाले अभिनय तुम थे और मुखाले पत्थर सारे बुतों के पूजने वाले रानी मुकाबले में आएगी और आप ये कहेंगे, भैया जुमला बहुत गौर से सुनिए, और आप ये कहेंगे मेरी तकरीर का एक एक लफ्ज याद रखना चाहिए आप, और जब आप ये कहेंगे कि अना वजा तो फिर कला के लिए अरब, और मैंने तो बचपन ही में अरब के पहलवानों के कलेजे चीर दिए थे, मैंने कबीलों की गिनती बतला दी और मैंने कबीले रबी और कबीले मुजर के बड़े बड़े पहलवानों का पछाड़ दिया था। जब तक या अली ये आपका जुमला बाकी रहेगा, रबिया व मुजर की जितनी औलाद अरब में फैली हुई है, देखिए मेरी तकरीर, इब्राहिम की औलाद में अदनान से अरब की तारीख शुरू होती है और अरब में दो कबीलों से सारे कबाइल फैले, एक रबिया दूसरे मुजर, उसी से मजहज भी, उसी से औस भी, उसी से कसरत भी, उसी से दौस भी, उसी से बनी तमीम भी, जितने कबाइल हैं या रबिया से हैं या मुजर से। और अली कहते कि रबिया और मुजर के पहलवानों को मैंने पछाड़ दिया था, उनके कलेजे चीर के रख दिए थे। या अली ये कौन सी सुलह की बात है, ये कैसा कंप्रोमाइज है, ये आप कैसी खिलाफत चला सकेंगे? जमाना क्या करता अगर आपका दुश्मन न हो जाता? अरे इतने खुले बंदों को ही कहता है कि मैंने बचपन ही में रबिया व मुदर के पहलवानों को पछाड़ दिया था, उनके कलेजों को चीर के रख दिया था, कोई इस तरह से अलानिया कहता है? मगर क्या करते आप, आप में थी मिनियत इब्राहिमी, इब्राहिम ने दुआ की थी इन्नका तालमु मानुक्सी व मानुली, तू बेहतर जानता है हम क्या छिपा रहे हैं, क्या ऐलान है? बड़ी तवील तकरीर होगी जब कभी शुरू करूंगा। इख्फाए आले मोहम्मद क्या है, ऐलाने आले मोहम्मद क्या है, इनका सुकूत क्या है, इनका तकल्लुम क्या है, इनकी खामोशी क्या है, इनकी गोयाई क्या है, क्या छिपा रहे हैं, क्या जाहिर कर रहे हैं? और इब्राहिम कहते हैं तू बेहतर जानता है कि हम छिपाते क्या है और ऐलान क्या करते हैं। यकीनन छिपाना भी है, इन्नका तालमु मानुखी व मानुलिन, हम छिपाएंगे भी, हम ऐलान भी करेंगे, अगर छिपाएंगे तो उसको कुफर ना समझना, अबू तालिब छिपाएंगे। इन्नका तालमु मानुखी, नुखी जमा का सेगा है, तू जानता है हम क्या छिपाते हैं, हम क्या ऐलान करते हैं। कभी छिपाते जाएंगे, कभी ऐलान करते जाएंगे, हमारे छिपाने को कोई कुफ्र ना समझे, कोई कुफ्र ना समझे। परवरदिगार तू बेहतर जानता है हम क्या छिपाते हैं, क्या ऐलान करते हैं। तो इख्फा किया अगर अबू तालिब ने तो वो ईमान, और ऐलान किया अबू तालिब के बेटे ने तो वो ईमान। ये इख्फा व ऐलान को समझो और फिर ये देखो कि अब आप अगर ये कह देते हैं मौला कि मैंने रबिया वो मुजर के पहलवानों के कलेजे चीर के रख दिए थे, तो सुनने वालों में सब तो उन्हीं की औलाद बैठी है ना।
आखिर किसी को तो अपने दादा का ख्याल होगा। आप ये समझ गए कि बद्र में एक खास घराने के 3-4 आदमियों को कत्ल किया था। बद्र में एक खास घराने के 3-4 आदमियों को कत्ल किया था तो उसकी औलाद ने शाम में यह कह दिया, मैंने बद्र का बदला ले लिया। अरे 3-4 आदमी की बात नहीं है, खुद अली कह रहे हैं, रबिया को भी मारा है, मुजर को भी मारा है, रबिया के पहलवानों को भी पछाड़ा है, मुजर के भी पहलवानों को पछाड़ा है। वो तो खैर गुफ्तगू खत्म, लेकिन अब कुछ और मंजिल है। याली मैदान जंग में किसी पहलवान का किसी पहलवान को पछाड़ देना वक्ती एतबार से तो यकीनन दूसरे के लिए शिकस्त खुर्दगी के बाद अदावत का बाइस बने तो बने, लेकिन यह अली कभी ऐसा भी हुआ है कि मक्तूल ने कत्ल होते हुए नाज किया कि अली के हाथ से मारा जा रहा, और मक्तूल के गुरसा ने आके लाश पर कहा कि न रोऊंगी इस भाई की मैयत पर कि इसका कातिल करीब है। मैंने कुछ जज्बे के साथ ये लफ्ज कह दिया फकत इस वास्ते कि काश काश मरहब की बहन का ईमान कहीं होता। लेकिन दुनिया इतनी रवादार न थी का बदला ले ले तो होता यह कि पहलवान ने पहलवान को पछाड़ दिया तो दूसरे पहलवान ने यह कह के कि बहादुर ने कत्ल किया है, उसके वरसा ने खामोशी अख्तियार की। लेकिन यह आज बुत शिकनी बड़ा मसला है, वहां तो बहस अकायद से है, जज्बात से है। तोड़ते चले तो मुमकिन है नीचे नीचे के बुत तो औरों ने भी तोड़े होंगे, औरों ने भी तोड़े होंगे, मगर उमरू बिन लही बिन हारेसा सरदारे हिजाज ने मक्के की बुलंदियों पर जिस बुत को रखा था यह कहकर कि यह पूरे अरब का बुत है, और वो बड़ा कि जो इब्राहिम के हाथों से बच गया था, अब उसको कोई गैर इब्राहिम तो गिरा नहीं सकता। जरूरत थी कि वही आए जिसमें सलाहियत इब्राहिमी हो, उस बुत को तोड़ना है। कितनों की दुश्मनियां होंगी, कौन कौन बिगड़ेगा, पूरा अरब दुश्मन होगा, बड़े को मारा, बड़े को मारा, उसको गिराया। यही वजह थी कि जब इत्माम हुज्जत रसूल ने की, अरे कोई है मेरे साथ आने वाला, बुतों को तोड़ना है, तो सबों ने कहा जज्बात का मामला है, अकायद का मामला है, क्यों दुश्मनियों को भड़काया जाए, ये काम खामोशी से आहिस्ता हो जाए तो बेहतर है। मगर दुनिया जान रही थी कि 12,000 तलवारें तो बाहर खिंची हुई थी उन सिपाहियों की जो रसूल की रिफाकत के लिए आए थे, और पूरा मक्का हैरत के साथ देख रहा था कि अब देखें खाने काबा के नज्म व नसक में क्या तब्दीली हो रही है। ऐसे में बाहर जो एक मतलब आवाज आई, तुम जाओ या तुम्हारे भाई, इस जिम्मेदारी को हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, यह दुश्मनी नस्लन बाद नस्लन जाएगी। यह दुश्मनी नस्लन बाद नस्लन जाएगी। अल्लाह के रसूल होशियार, और वही आगे बढ़े जो मरते वक्त इस आयत को पढ़ के जान दे दे, सूरह अहज़ाब की यह आखिरी आयत थी जो अली के जबान पर थी 21वीं रमजान की रात को, الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا, جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورہ احزاب کی آخری آیت تھی جو امیر المومنین تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے گئے, یعنی اپنی زندگی کو منوا دیا, سمجھا دیا, زندگی کی حقیقتوں کو بتلا دیا۔ علی نام ہے اس کا جو کسی سے نہیں ڈرتا, जो किसी से नहीं डरता। या अली होशियार, जरा समझ के, जरा समझ के, ये बुत
पूरे अरब का दिल है, पूरे अरब की जान है। बुत शिकन बनोगे, बुत शिकन कहलाओगे, मगर देखो दुश्मनियां बड़ी दूर तक जाएंगे। बज़ाहिर दुनिया आज के दिन मुसलमान हो चुकी फतेह मक्का, लेकिन इसके बावजूद या अली माजी के जज्बात इस तरह से भुलाए नहीं जाते, इस तरह से इंसान माजी को नहीं भूलता कि आपने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। मगर जो अल्लाह के लिए होता है वो गैर खुदा से नहीं डरता। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हाजिर हूं, मैं तो हाजिर हूं। तो यही वो मंजिल थी कि जहां एक और मंजिल पर यह कहा गया था कि बस जाना है तो तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए। नहनु हाउना कायदून, हम यहां बैठते हैं, अगर खैर खूबी से बाहर आ गए हम, नहीं आए तो उधर। याद है ना आपको, वमिन अन्नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फैन। इंसानों में वो लोग भी हैं जो शर्त रख के खुदा की इबादत करते हैं, इन्हें दीवार पर बैठे हुए हैं, नेकी पर नेकी मिली इधर, मुसीबत पर मुसीबत आई उधर। जाओ आप जाओ देखें क्या होता है। अरे सदियों सदियों इनकी परस्तिश हुई है, बहुत गौर से सुनते जाइए। एक बुत ने भी अपनी करामात दिखलाई, अगर एक बुत ने भी अपनी करामात दिखलाई, चाहे के हुबल जोश में आए गुस्से में आए, अरे इन्हीं की तो पूजा करते थे कि ये बीमारियां ला सकते हैं, ये किसी को मौत दे सकते हैं, ये किसी को हमेशा के लिए अंधा कर सकते हैं, ये किसी को मफलूज कर सकते हैं, ये हमारे जानवरों की नस्लों को खत्म कर सकते हैं। इन्हीं की बारगाह में कुर्बानियों पर कुर्बानियां इसलिए दी जाती थी कि हमको बीमारियों से बचा लो। आज इन्हीं को गिराने के लिए जाते हो, होशियार, कहीं कोई करामत ना हो, कहीं कोई करामत न हो। मगर हकीकत करामत को जो जानता है, भाई मैं कहां हूं और कहां चाहता हूं कि आप जाएं, मैं नहीं जाता मगर चाहता हूं कि आप जाएं। जो हकीकत करामत से वाकिफ है वो बुतों की शक्लों को देख के पहचानता है कि इम्कान करामत कहां तक है, इम्कान करामत कहां तक है। कहा जो कुछ होगा होगा होगा। रसूल आगे या अली तुम्हारा क्या ख्याल है। अल्लाह के रसूल बुलंदी है, बुलंदी है। अरे कोई है, कोई है जो अपने घर से नर्दबान ला दे, सीढ़ी ला दे, अल्लाह के रसूल मदद करके गुनहगार हो। अरे मदद करके गुनहगार हो, कल के दिन कोई बात हो गई तो हम मददगार ठहरेंगे और उनका गुस्सा हम पे निकलेगा। इसलिए नर्दबान नहीं गुस्से में आके कहा हो अली, आओ अली, अब ये मेराज इसी घर में, अब ये मेराज इसी घर में एक दिन था गोद में थे, अब जो मेराज हुई तो कांधे पर। जिस दिन गोद में थे और आंखें खोली थी रसूल को देखने के लिए, इसलिए कि अब तक आंखें बंद थी, चाहते न थे कि आंखें खोल के किसी गैर को देखें। रसूल को देख के आंखें खोली थी तो देख लिया था कि रहो रहो रहो, लेकिन जमाले मोहम्मदी जब तक इजाजत दे रहो, जब जलाले मोहम्मदी पे सूरत विलायत आएगा तो अली बुत शिकन नहीं, नबी बुत शिकन है। नबी बुत शिकन है, कांधे बचा लिया, कहा अब वो बड़े को तो खेचो, अब वो अहलियत इब्राहिमी रखने वाले। ये सोमनाथ नहीं काबा है,
सोमनाथ नहीं काबा है, वहाँ ममलकत का इख्तदार का कुव्वत का मुजाहरा है, लश्कर साथ है, यहाँ तन्हाई भी है, कबाइलों का इख्तलाफ कबाइल का इख्तलाफ भी है, आने वाली दुश्मनियों को भी देखा जा रहा है। फकत बुत नहीं टूटेगा, मालूम नहीं क्या क्या हो, मालूम नहीं क्या क्या हो, मगर आपने किसकी परवाह, वजनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को रोक दे, हम वसन परस्त न बने। जो वसन परस्त नहीं बनता वही हो सकता है वसन शिकन, वही हो सकता है सनम शिकन। तोड़ दिया, गिरा दिया, नीचे आए, पूछा कैसे पाया तुमने अपने आप को मेरे दोष की बुलंदी पर, अल्लाह के रसूल क्या कहना है इस बुलंदी का, मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं मावराए अर्श देख रहा हूं, मैं मावराए अर्श देख रहा हूं। उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद इस अम्र को जाहिर कर दिया कि इसकी हिफाजत, इसकी तहारत, इसकी तका और इसकी इज्जत इसी अहलियत बराहिमी से वाबस्ता है, इसलिए सिवाय इस घराने के, भाई बहुत तवज्जो से सुनिए, सिवाय इस घराने के किसी की मजाल नहीं, कोई सूफी, कोई मुर्शिद, कोई कोई पीर, कोई फकीर, कोई काबिल से काबिल साहेब इख्तदार, अब किसी की मजाल नहीं जो ये कहे अनपनु मक्का तवा में ना। जुमलों को समझ रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं हूं मक्का में ना का बेटा और किसी की मजाल में जो इस फजल का मुस्तहक हो कि बादशाह वक्त पूछे ये कौन आया, ये सफे कैसे फट गई। तो उसने कहा अनजान बनता है इसके, इसको तो मक्के का जर्रा जर्रा जानता है, इसको जमजम जानता है, मीना जानता है, सफा जानता है, मरवा जानता है, हिल जानता है, हरम जानता है, हिल दो खाने काबा की जमीन का जर्रा जर्रा जानता, तू नहीं जानता। अरे ये वो घराना है कि अगर ये ना हो तो काबा ना हो। अब आपने देखा कितनी निस्बत सही है, कितनी निस्बत सही है, यार साफ किया, पाक किया, ताहिर किया, हिफाजत की, ये उनके आरिफ बने, वो इसनी इनका आरिफ बना, यही वजह थी कि ये भी तय हो गया, ये भी तय हो गया कि तुम्हारा आगाज भी यहीं से हो, यहीं से हो और उस मंजिल पर पहुंचकर कि जहां मैं उस सफदर शिकन को, उस खैबर शिकन को, उस सलाम शिकन को नस्लों में नुफूस करते हुए देखता हूं कि जहां जहां उसकी मोहब्बत जाएगी, उसकी मोहब्बत बुत शिकन बनती जाएगी, जहां जहां उसकी मोहब्बत जाएगी, उसकी मोहब्बत सनम शिकन बनती जाएगी। और यही वजह है कि चूंकि इकबाल को भी यह दावा है कि अज विलाए दूध मानस रिंदा, ये अमीर मोमिनीन के लिए कहा था इकबाल ने, मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली, इश्करा सरमाए हीमा अली, अज विलाए दूध मानस रिंदा, उसी के खानदान की मोहब्बत में जी रहा हूं, दरजान मिसल गुहर ताबिंदा, मोती की तरह जो चमक रहा हूं इसी खानदान की मोहब्बत है। तो जिसको ये मोहब्बत मिल जाए वो अपनी हकीकत को पहचाने, और हकीकत को पहचान के इकबाल ने कहा एक सैयद सादे को, इशरत हुसैन को के लंदन को गए, फलसफा पढ़ के मजहब को छोड़ दिया, कहते मैं कश्मीरी ब्राह्मणों की औलाद, मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती और मनाती, तू सैयद हाशमी की औलाद, यानी उनको अपना मकाम नजर आया,
शर्माते नहीं है इकबाल? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, शर्माते नहीं है इकबाल के मेरे बाप दादा लाठियों मनाती थे? ये शराफत है इकबाल है, ये शराफत है इकबाल है। अरे जो हक है वो कहो। मैं असल का खास सोन लाती इकबाल, आबा मेरे लाठियों मनाती है, फलसफा मेरे आबो गिल में पोशीदा है, रीजा हाए दिल में। तू सैयद हाशिमी की औलाद, मेरी कतकाब ब्रह्मन जात, मैं ब्रह्मनों की औलाद, तू सैयद हाशिमी और तू फलसफी हो गया। मतलब क्या? मतलब यही कि अगर औलाद में अहलियत ना हो किस मंजिल का पहुंच गए, अहलियत ना हो तो खामखा के मनवाने की क्यों कोशिश करो? सर आंखों पर, ये बुजुर्गियां सर आंखों पर, ये बुजुर्गियां सर आंखों पर, लेकिन मैं क्या करूं? कुरान ये कह रहा है फमन तबेअनी फहुवा मिन्नी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे वही मुझसे है। अब अगर रसूल ने किसी को कहा तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, और इत्तेफाकन वो चचादाद भाई हो या नवासा हो, तो ये न समझना कि नवासे की वजह से कहा या चचादाद भाई की वजह से कहा, जबाने वही ने कहा इसलिए कि उसमें सलाहियत है। सहबाल ने कहा था तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नारी बरगसा न होता, हिगल का सदब गुहर से खाली है, फलसफा उसका सब ख्याली, आदम को सिवात की तलब है, दस्तूर हयात की तलब है, मैं असल का खास सोमनाती, आबा मेरे लातियो मनाती, तू सैयद हाशिमी की औलाद, मेरी कफ़ेकाक पर हमनजाद, इकबाल की बुलंदियां बाकी हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये तो रहमानों की औलाद है, ये तो पंडितों की औलाद है, हमारा मोहसिन है, पहली तस्वीर खींची है पाकिस्तान की, नेक और बद की तमीज करवा दी है, दुनिया को एक पैगाम दिया है, सारा पैगाम उसका पहुंचाया जा रहा है, अब वो अगर रहमानों की औलाद है तो ये बुराई क्या है? लेकिन मोहब्बत ने ये एहसास बरतरी अदा किया कि जो हक है वो कह दे। दूध माने सिंधा उसकी मोहब्बत से जी रहा हूं, उसकी मोहब्बत से जी रहा हूं, और फिर चूंकि जी रहा हूं मोहब्बत से, इसलिए या अली अब जब तुझको पुकारूंगा तो इसी तरह से माही नक्श बातिल मन, और मेरे बातिल के नक्श के मिटाने वाले नक्शे बातिले मन, अरे फाते है खैबर दिले मन, अरे बातिल भाई माफ करें, आप ये ना समझे कि तकरीर को तूल हो रहा है, मैंने अब क्या नासाजी मिजाज के बावजूद जब आगे बढ़ रहा हूं तो उसके माना यही है कि अजनबी यही समझेंगे कि अकीदे का जोर है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। जाहिर है अकीदे का जोर क्यों ना रहे, मैं तो एक इंसान कामिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, लोग पत्थर की तरफ आगे बढ़ गए। जाहिर है अकीदे का बड़ा लगाव है, उसमें बड़ा वजद है, बड़ा कैफ है, बड़ा सुरूर है, सारी चीजें मौजूद हैं, और फिर यही वजदो कैफो सुरूर है जो कभी कभी इंसान को हुदूद छोड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं अपने हुदूद से बाहर नहीं जाऊंगा, किसी मंजिल पर हुदूद से बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ मोहब्बत ही एतदाल है, यहाँ एतदाल ही मोहब्बत है। तो हम कहते हैं कि आए माही नक्श बातिल मन, है मेरे बातिल के नक्श के मिटाने वाले, आए फाते खैबर दिल मन, आए मेरे दिल के खैबर के फतह करने वाले। याली फतेह खैबर तो एक ही मरतबा हुआ ना, गुफ्तगू याद रहे, खैबर तो एक ही मरतबा फतह हुआ ना, मगर इकबाल कहते हैं कि हर मुनकिर दिल एक खैबर है, हर मुनकिर दिल एक खैबर है, और उसको फतह करना
غیر علی کا کام نہیں ہے, غیر علی کا کام نہیں ہے. اس لیے آیت فاتح خیبر دل من, میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے کون کہتے ہیں؟ اقبال. میرے دل کے خیبر کو فتح کیا, بڑا مضبوط قلعہ تھا اقبال کے دل میں بھی, وہاں بھی بڑے بڑے مرحب تھے, بڑے بڑے مرحب تھے, لیکن سبوں کو پچھاڑا اسی نے جس نے ربیعہ و مضر کے پہلوانوں کے کلیجے چیر دیے تھے. اے فاتح خیبر دل من, اے میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے, کیا ہوا؟ اے نوح سفینہ محبت, اے باب مدینہ محبت, علی نے, پیغمبر نے کہا تھا یہ مدینہ علم کا دروازہ ہے. اقبال یہ سمجھے کہ حقیقت علم ہی محبت ہے, حقیقت علم ہی محبت ہے. دونوں نے کہا محبت کے شہر کے دروازے تیرا نام لیتا ہوں تو محبت ہی محبت ہے. میں گفتگو کو خاتمے پلا رہا ہوں ہوشیار. تیرا نام لیتے ہی ایک مرتبہ دریائے محبت جوش میں آتا ہے تو اقبال تمہاری روح پہ شادابیاں ہی شادابیاں ہوں رحمت الہی کی. تم نے خود تصفیہ کیا کہ نام جب تیرے محبتوں کے دریا میں جوش ہوتا ہے تو جہاں محبتوں کے دریاؤں میں جوش ہوگا وہی عداوتوں کے دریاؤں میں بھی طوفان میں طوفان. تو جب تک یہ نام جائے گا, محبت بھی ہے عداوت بھی ہے, جن جن کے بت ٹوٹے عداوت ہے, جنہوں نے احساس کر لیا کہ ہاں مجھے اپنا بنا لیا وہاں محبت ہے. محبت ہے تو کہا کہ یا علی آپ کی محبت نے تو مجھے اپنا کر لیا. اے باب مدینہ محبت, اتنا اپنا کر لیا, اتنا اپنا کر لیا کہ کوئی کہ نصیری خاموش ہوں. اگر تو کہہ دے کیوں اقبال نصیری ہو گیا, میں تو چپ ہو جاؤں. اگر آپ یہ کہے کہ کیوں نصیری ہو گیا, میں چپ ہو جاؤں. کیوں؟ از ہوش شدم مگر بہوش ہوں, بے ہوش ہوں مگر اتنا ہوش ہے. از ہوش شدم مگر بہوش ہوں, میں ہوش سے گزرا مگر اتنا ہوش ہے. گوری کے نصیری لی خاموش ہوں. اگر تم یہ کہو کیوں اقبال نصیری ہو گئے تو میں چپ ہو جاؤں گا, انکار نہیں کروں گا. اتنا ہوش ہے, انکار نہیں کروں گا. گوئی کے نصیری خاموشم کیوں, اما چکنم میں تولا, میں کیا کروں تیرے تولا کی شراب. اما چکنم میں تولا تندس برو فتر زمینا, اتنی تیز ہے شراب کہ شیشے میں بھرتا جاتا ہوں, اچھل اچھل کے پھیلتی جاتی ہے, گرتی جاتی ہے. اما چکنا میں تولا تندس برو فتر زمینا, مینا میں بھرتا ہوں وہ شراب ابل کے گرتی ہے. میں کیا کروں دنیا حیران ہے, اس لیے زندی شہ عاقبت رہی دم, میں نے بھی عاقبت کا غم چھوڑ دیا. زندی شہ عاقبت رہی دم, میں نے بھی انجام کار پہ غور کرنا چھوڑ دیا. اور چھوڑ کے کیا کیا, جن سے غم آلے تو خریدم, میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا. اما سے گلم میں تولا, میں کیا کروں تیری محبت کی شراب. تندس برو فتر زمینا, بڑی تیز ہے مینا میں بھرتا ہوں, نکھر جاتی ہے, چھلک جاتی ہے, ابل جاتی ہے. مست ولائے حیدرم,
तुम हम दम अली हम तो जाओ न दिल पर मस्टर लाओ हैदरम दम हम दम अली अली हर तो जहाओ से दिल बरम दम हम दम अली अली मैं विलाए अली में मस्त हूँ मस्ती के आलम में गैर अली का नाम कैसे जबान से निकले ये मस्ती का कमाल है कि जब मस्त हो जाता है किसी की मोहब्बत में तो उसी का नाम जबान से निकलता है। किसी ने मजनून से पूछा मजनून मसला खिलाफत में तुम्हारी क्या राय है कौन खलीफा हो किसको तुम पसंद करते हो का मैं क्या जानूं मेरी लैला हो जाए खलीफा तो बेहतर है इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसी का नाम जबान पर आता है मस्त लिलाए हैदरम तमाम दम अली अली मैं मस्त हूं और दम हम दम जबान से अली अली निकलता है और जब ये तय हो गया तो हर दो जहां से दिल भरम अब ये दोनों जहां मेरे दिल भर के लिए हैं ये दोनों जहां को ताल्लुक मेरे दिल भर के साथ है दुनिया हो तो अली के लिए है आखिरत हो तो अली के लिए जाने जहां मन अली रूहे रवाने मन अली दादा बहारे गुलशनम तम हम दम अली अली मेरी रूह अली रूह रवाने मन जाने जहाने मन ताजा बहारे गुलशनम मेरे गुलशन की ताजा बहार बहार पर बहार दम हम दम शोले तूरे कुल कफा शमा पुरुजे इन्नमा अब्बल नक्शे वल कलम दम हम दम अली अली अब मालूम नहीं शायर किस इन्नमा को देख रहा है या इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात व यूतून अस्सकात व हुम राकिऊन को देख रहा है या इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा तूरे कुल कफा कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब उस तूर का शोला है शमा फुरूज़ इन्नमा नूर नुमाए जुल्मतम मेरी तारीकियों में नूर का दिखाने वाला तू ही तू है तू ही तू है अली अली मुमकिन वाजिब अल वजूद वाजिब मुमकिन अल कुलूद नक्श हुदूस पर कदम वो मुमकिन जिसमें वाजिब नजर आए वो वाजिब का मजहर जिसमें इम्कान ही इम्कान है हुदूस का नक्श कदम पर नक्श हुदूस पर कदम तुम हम अदम अली अली साफी बज में हल्लाता पादे हुब्ब मुर्तदा मुर्तजा की मोहब्बत की शराब साकी दे दे बाते हुब मुर्तजा साकिया है बेदह मरा तश्नाए उसे जान मनम मुझे अपनी जान से इतनी मोहब्बत नहीं है जितने अली की मोहब्बत की शराब से मोहब्बत है मेरे दोस्त कहीं कहीं कोई और शीशा और सागर जहन में ना आए कहीं कोई और दुनिया की नजर शराब का ख्याल ना आए ये गुफ्तगू कहीं और की है किसी और मंजिल पर ये बातें हो रही हैं बात है हुब मुर्तजा साकिया है बेदह मरा तश्नाए जा मनम दम हम दम अली अली जामे मोहब्बत अशुरम पर्दाए जब्त बरदरम मैंने मोहब्बत का जाम पी लिया मैंने जब्त के जामे को फाड़ दिया नाराज़े सीना तरकशम दम हम दम अली
तीलिया और जाऊं मैं मोहब्बत अश्कुरम, मैंने उसकी मोहब्बत को जाऊं तीलिया और फिर मैंने जब्त के दामन को चाक चाक कर दिया। नाराज़े सीना बरकशम, अब जो सीने से आवाज आई, अब जो तनफ्फुस जारी रहा, अब जो सांस चली तो हर सांस में अली 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 अली, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं या अली, अब मेरे लिए क्या हो कि जब सिवा तुम्हारे कुछ नहीं, तो अब क्या करूं। जाओ मैं मोहब्बत अश्कुरम सूए नजफ रमाश। और फिर बूसा भरा आस्ताओ जनम, उसकी चौखट पे जाके बूसा दूंगा। देखो ये है इंतहाए मस्ती, इंतहाए मस्ती। ये नहीं कहता कि नाचूंगा, ये नहीं कहता है कि बजाऊंगा, ये नहीं कहता है कि कूदूंगा, ये नहीं कहता कि गाऊंगा, नहीं। मस्ती की इंतहा भी यही है कि महबूब की चौखट पे सर रहे हैं। मस्ती की इंतहा भी ये है कि बूसा बरसता जनम, दम दम अली अली। देखो अब बुतों की गुफ्तगू थी, खत्म भी करूंगा लफ्ज बुत पर, बशर्ते के तवज्जो रहे। दाखिल कुब्बा शबम, मैं कुब्बे में दाखिल हुआ, सजदा पर उन सनम को नम। इसलिए कह दिया शायर ने घबरा के कि सजदा करना तो जरूरी है। तुम यही कहोगे सनम है, सजदा तो करूंगा जरूर, सजदा तो करूंगा जरूर, मगर क्या मालूम देखने वाले को कि मुमकिन है मैं अजाइम कुरान में से किसी ऐसी आयत को पढ़ रहा हूं जिस पर सजदा वाजिब हो रहा हो। सजदा बन सनम कुलम ऊचू पुतस्त काफिरम, ऊचू पुतस्त काफिरम, दम दम अले अले। तीन मरतबा सलावात, खुदा बंदा वास्ते से इस मौलूद मसूद के मिल्लत को मुत्तहिद फरमाओ, मम्लिकत को मुस्तहकम फरमाओ, हमको तौफीक मोहब्बत आले मोहम्मद अता फरमाओ। ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।